खास दिन है। खास दिन क्यों है कि आज ही है मेरी बर्थडे, और ये हम लोगों ने मतलब टी टाइम के लिए मतलब केक काटने के लिए यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है। और हम लोग यहाँ पर हमने रखे हैं पिज़्ज़ा और बिस्किट, स्टिक, शवारमा, सैलड है ये रशियन, और ये वन ऑफ द मेन चीज़ ऑफ द डे केक है। अच्छा, तो अब ज़रा चलते हैं मम्मा और पापा की तरफ कि ये मुझे क्या क्या विशेस दे रहे हैं, और फिर उसके बाद मुझे गिफ्ट भी मिलने हैं, और क्या गिफ्ट मिलेंगे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता क्योंकि इन्होंने सरप्राइज रखा हुआ है दोनों ने कि मुझे क्या गिफ्ट देंगे। तो चलते हैं मम्मा की तरफ, पहले मम्मा से पूछते हैं। जी मम्मा। हाँ जी, ये लो बेटा आपको मुबारक हो ये डब्बे। मम्मी एकदम मुंह पे मारती, मैंने मतलब कुछ मुबारकबाद तो दो, हैप्पी बर्थडे तो बोलो। हैप्पी बर्थडे बेटा, उसका गिफ्ट दे रहे हैं ना हैप्पी बर्थडे का। ओके, तो व्यूअर्स आप लोगों से नजर आ रहा है ये। अच्छा जी, चले आप इसको खोलते हैं। ये अब मम्मा ने मुझे वाओ मतलब टॉप्स दिए हैं, ये देखें। ये अब हम कैमरे में अगर आपको सही तरह से दिखे तो ये है वाइट, मतलब इसको गोल्ड, हाँ मतलब डायमंड में जो होता है, मतलब वाइट डायमंड, वो ये है ये टॉप। और ये ना समझे कि मतलब आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है, सोने के हैं, सोने के हैं। अच्छा जी ठीक है, मतलब हाँ हम लोग ये रियल जो सोने के ये दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो मैं ये किसी दिन पहन के कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, ये हो गया। ये मम्मा आपकी तरफ से गिफ्ट है? हाँ जी, ये मेरे। अच्छा, तो पिछली दफा हमने इसे ज्यादा गिफ्ट नहीं ना दिया था, इसके पापा की तबीयत नहीं ना ठीक थी, तो फिर शॉपिंग वगैरह भी नहीं की, वैसे ही दे दिए थे पैसे। ये ले बाबा साहब आप अपना। ये लो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, ये है, ये गोल्ड की चैन है। हाँ जी, ये दुबई से इसके पापा ने अपने दोस्त से मंगवाई है। दुबई ये इधर की नहीं है, इधर की नहीं है, ये है गोल्ड की चैन जो पापा ने दुबई से मंगाई, क्योंकि दुबई के सोने की मतलब बातचीत की जाती है कि वो अच्छा, ये आपको कैमरे में नजर आ रहा है क्या? मेरे कई बहन भाइयों को पता भी मतलब जिनको मतलब दुबई के सोने की पहचान होगी वो देख सकते हैं इसको कि ये मतलब रियल है और दुबई का सोना। इनका दोस्त है ना, तो इन्होंने कह के उससे मंगवाई। अच्छा जी, ये तो मुझे मतलब केक आने से पहले ही आज गिफ्ट मिल गए हैं, बड़ी बात है। अच्छा, ये होगी गोल्ड की चैन, और मैं आप लोग को ये भी एक बात बता दूँ कि ये मुझे मतलब ये भी गोल्ड की ही रिंग है, ये मुझे मिली थी मेरी मतलब पास होने की खुशी में, जब मैंने मतलब किया था एफ ए किया था, एफ ए में दी थी ना आपने? एफ ए में या बी ए में दी थी? एफ ए अपनी बी ए में, हाँ बी ए में दी थी। बी ए में दी थी जब मैंने ना ये रिजल्ट तेरा आया था ना, हाँ तो मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तो मुझे ये जो है गोल्ड की रिंग, ये देखें ये मुझे दी थी मेरी मम्मा ने, और ये आज मतलब मैच हो रही थी तो मेरे ग्रीन सूट के साथ, तो इसलिए मैंने ये इसको पहन लिया। और ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, और ये जो है ये गोल्ड की है। ठीक है, तो अब हम लोग काटते हैं केक। तो ये जो गिफ्ट है ये गोल्ड की, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं संभाल के। चैन भी पहन लेते हैं, चैन भी पहन लेते हैं। ठीक है, वो पहन लेते, लेकिन अभी हम लोग कर लेते हैं पहले वीडियो अच्छा रिकॉर्ड, और केक काट लेते हैं। तो ये आप अपने पास रखें, इसमें आ रही डिब्बी, इसकी भी होगी वो डिब्बी, उसमें डाल लेते हैं। तो अब काटते हैं केक, तो आप सब लोगों ने क्लैपिंग करनी है मेरे लिए, मुझे बर्थडे विश करना। ठीक है, तो 1 2 3 मेहरबानी करे अल्लाह ताला, इसके अच्छे नसीब करे और नेकों के मुट्ठे लगाए अल्लाह ताला, और अच्छे घर में जे जाए जहाँ पे रानी बन के रहे। थैंक यू। अच्छा, तो केक काट लिया है, तो अब मतलब आप लोग कोई मेरी मतलब कोई एक आधा बचपन का कोई वाकया जो हमारी कोई बात हमारे डिस्कस कर सके, अच्छी वाली बात सुनाओ या गंदी वाली बात? मतलब पिछली बार भी आपने बताई थी, जो आपने बतानी आपने बता ही देनी, आप मुझे बता दे कोई एक बात बता दे जो हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ। मुझे बहुत तंग करती थी, एक दो दोपहर का टाइम था, ट्यूशन से ये पढ़ के आई थी, तो ये काम कर रही थी अपना होमवर्क, तो मैं बेड पे लेट गई, तो इसने क्या किया रबड़ घुसा दिया अपने नाक में। फटाफट जल्दी से चादर ली, हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल ले जाके वो रेजर नहीं होता छोटा सा जो बच्चे रेज करते हैं, वो उसने फसा लिया, पता नहीं कैसे फसा लिया, फिर मैं बोल ली भी वो, फिर लेके गई, फिर वो अंदर लेके गई पेशेंट थिएटर में, उन्होंने फिर निकाला। बाकी वो बच्चे ना मेरे कह रहे थे कि अब इसने बचना नहीं, अल्लाह माफी दे, ये नाना अबू के पास जाएगी, ये नाना अबू के कदमों में जाएगी। हाँ, कदमों ये में था मेरे खास जानी दुश्मन ने, दुश्मनों ने ये कहना शुरू कर दिया बहन भाइयों ने,
और रोना पीटना शुरू कर दिया, ये नाना अबू के पास जाएगी। अपने से बचना। मैंने कहा नहीं, इस अपने बचना इसने। मैंने कहा इंशाल्लाह बच जाएगी, मतलब बजाय इसके कि मुझे वो तो समझाते। फिर शाम को मैंने इसकी नानी को वाकया सुनाया, इसकी अम्मी जान को, वो इतना बोले, वो कह रहे पहले मेरे पास लेके आती तू क्यों परेशान हुई इतना, तो कोई मसला नहीं था, ये इसने हरकतें कई दफा की। अच्छा कोई अच्छी बात पापा कोई आप मतलब मुझे बता दें, मैं बचपन में कैसी कि मतलब मम्मा ने तो ये बुराई कर दी ना मेरी। आप मेरा बचपन में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत लायक थी, छुट्टी नहीं करती थी, रोजाना स्कूल जाती थी, सुबह के टाइम पेट में दर्द होती थी जो मुंह पे मार रहे हैं बातें मेरे, कब कब सुबह का पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती थी स्कूल के नाम पे, वो बच्चों के सामने होती है, बहुत प्यारी बच्ची थी, प्यारी तो थी मतलब सुबह में पेट में दर्द भी होती थी, नाश्ता नहीं करती थी, पेट में दर्द होने लग जाती। ठीक है तो अब हम लोग फिर ले ले अपने मतलब बहन भाइयों से, आप भी सुना दो कोई अपना वाकया छोटी बच्चे, मैं बहुत आप लोग की समझ आ, क्या करती थी मैं स्कूल में, कैसे जाती थी ट्यूशन, आप भी सुना दो ना पढ़ाई में कैसी थी। हाँ वो फिर अपने मियां मिठू बनने वाली बात है, वैसे मैं बहुत अच्छी बच्ची, बहुत फरमा बरदार बच्ची अपने माँ बाप की, तो अपने मुँह में सुना दो ना कोई अपना कोई वाकया स्कूल में कोई हरकत की हो ऐसी बच्चों को साथ। नहीं ऐसा कोई ऐसा वाकया नहीं है जो मतलब याद हो फिलहाल मुझे, कोई नहीं है, बस सही है, ठीक है, गुजर ही अच्छी बात है। तो व्यूअर तो वीडियो हो रही है लंबी, तो हम लोग इसको यहाँ पे सम अप करते हैं, और आपको हमारे बर्थडे का जो है पार्ट वन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पार्ट टू और भी बहुत सारी तैयारियाँ की गई है, मतलब डिनर के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, ये जस्ट मतलब केक के लिए थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी जो हम लोगों ने की है, और मैंने गिफ्ट लेने थे जल्द जल्द, इसलिए मैंने केक काटा, क्योंकि केक काटे मेरा गिफ्ट तो मिलते नहीं, इसलिए मैंने केक काट लिया ताकि मुझे गिफ्ट मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो अब बाकी जो सा पार्ट टू है उसको भी आप लोगों ने वेट करना है, तो वो हम लोग कल लगाएंगे पार्ट टू, और अभी लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, ठीक है। तो वंस अगेन आप सब मुझे दोबारा से बर्थडे विश करें, मैं भी क्लैप नहीं करती हूँ ना, मुझे विश करें ना, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा जी ठीक है व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो आप लोगों ने आज की वीडियो को पूरा देखना, और कल के पार्ट टू को जो कि मेरी बर्थडे का है उसको बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।